बांका जिला के फुल्ली डुमर थाना क्षेत्र के बेला गांव में सड़क किनारे मवेशी बांधने के विवाद ने इतना तूल पकड़ लिया कि दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों की ओर से दर्जनों राउंड हवा में गोलियां चली। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ, परंतु मारपीट में कुछ जख्मी का इलाज फुल्ली डुमर अस्पताल में किया जा रहा है, जिसे बेहतर इलाज के लिए भागलपुर भेज दिया गया। इसकी सूचना पाते ही फुल्ली डुमर थाना अध्यक्ष मोहम्मद सफदर अली ने सुरक्षा बलों के साथ पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया, जहां पुलिस को देखते ही दोनों पक्ष के लोग फरार हो गए। पुलिस ने इसमें शामिल लोगों की आशंका को लेकर कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी की घटना के बाद बेला गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। जानकारी के अनुसार बेला गांव के विनय कुमार एवं सनोज कुमार के बीच सड़क पर मवेशी बांधने को लेकर यह मामला बीते शुक्रवार को शुरू हुई, जिसको लेकर फुल्ली डुमर बाजार में दोनों पक्ष के लोगों के आमने सामने होने पर मारपीट की भी घटना हुई, जिस रंजिश में शनिवार को दोनों पक्षों में रात दिन करीब 50 राउंड हवाई फायरिंग की गई। थानाध्यक्ष मोहम्मद अली ने दोनों पक्षों के बीच तनाव को लेकर गांव में पुलिस बल को तैनात कर दिया, जहां पुलिस कैंप कर रही है। बावजूद इसके दोनों पक्षों के बीच अभी भी तनाव कायम है। इधर एक पक्ष के पूनम देवी ने करीब एक दर्जन लोगों के विरुद्ध थाने में आवेदन देकर एक प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं ग्रामीणों के मुताबिक इसके पीछे सरकारी जमीन पर कब्जा एवं वर्चस्व की लड़ाई को लेकर घटना का कारण बताया जा रहा है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। क्या मामला था? मामला था यही सर कि चल रहा था, गोली बंदूक बहुत चला रहा था। उसके बाद हम लोग छिपने की कोशिश कर रहे थे, तो छिपने की कोशिश किए तो दूसरे आदमी इटा चला रहा था, तो हम छिप गए तो एक आदमी देखा तो गुलाब कुमार गुलाब यादव जी उनको पूरा। राजस्व एवं भूमि सुधार के द्वारा 5 पदों के लिए निकाली गई बहाली प्रक्रिया में कम अंक आने वाले अभ्यर्थी की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। ऐसे अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा गया है। कार्यालय से स्पष्ट जवाब नहीं मिलने पर दर्जनों अभ्यर्थी बांका स्थित राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामनारायण मंडल के आवास पर पहुंचे और अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए मांग पत्र सौंपा, जहां अभ्यर्थियों को राजस्व मंत्री ने विचार करने का आश्वासन दिया है। दरअसल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा 2019 में 5 पदों के लिए 6,000 से अधिक की बहाली निकली थी, जिसमें अमीन कानूनगो लिपिक सहायक बंदोबस्त अधिकारी सहित अन्य पद शामिल है। सभी पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, लेकिन कम अंक लाने वाले सैकड़ों डिप्लोमा होल्डर अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा गया है। वहीं लगातार कार्यालय का चक्कर लगाने के बाद भी प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों को कोई जवाब नहीं मिला। इसको लेकर पूरे बिहार में दर्जनों अभ्यर्थी बांका पहुंचे और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामनारायण मंडल के आवास पर पहुंचकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया और मांग पत्र भी सौंपा। राजस्व मंत्री ने अभ्यर्थियों को सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। तो इनको कुछ दिनों के लिए और समय दिया जाए, ट्रेन बंद है, ये बंद है। मुझे लगा ये उनका जो प्लीट है वो जस्टिफाइड से बाद में उनको समय दिया जाएगा। वैसे लोगों को 10 दिन हो, 15 दिन हो, 20 दिन हो, और फिर नहीं उनकी ज्वाइनिंग उपस्थिति के बाद जो नीचे बचे लोग हैं ये लोग चाहते हैं कि हम लोगों को उसमें ऊपर किया जाए, हमारी बहाली की जाए, तो फिर इस पर विचार किया जाए। ये मैंने कहा है तो उन्होंने कहा है कि एक बार इन लोगों को समय देने, कोरोना के कारण समय देने के बाद इस पर कुछ निर्णय विचार किया जाए। ऐसी बातें हुई है। वैसे राज्य भर के ये सब नौजवान यहाँ आए हैं, अपनी अपनी बात, बरसों का बेरोजगारी, चंद तरह की बात इन्होंने उठाया है। बांका में बम बनाने के दौरान विस्फोट हो जाने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया गया कि घायल व्यक्ति का हाथ उड़ गया है। हालांकि इस बारे में पूरी जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर तहकीकात कर रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार घटनास्थल बांका सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गलगला गाँव के समीप ढोड़िया पहाड़ के आसपास हुई है। घटना किस वक्त हुई इस बात को लेकर भी अब तक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। प्रथम दृष्टिया जो बात सामने आई है उसके मुताबिक घटना रात की बताई जा रही है। इस मामले में पूरी जानकारी पुलिस तहकीकात के बाद ही मिलने की उम्मीद है, लेकिन प्रारंभिक पड़ताल के बाद पुलिस ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक कुछ युवक गलगला के समीप ढोड़िया पहाड़ के आसपास बम बना रहे थे।
इसी दौरान किसी असावधानी की वजह से बम विस्फोट कर गया। वे बम क्यों बना रहे थे, इसके पीछे की वजह को लेकर अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। बताया गया कि बम विस्फोट में मंटू यादव नामक एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मुकेश यादव नामक युवक इस घटना में बुरी तरह घायल हो गया। विस्फोट में उसके हाथ बुरी तरह जख्मी हो जाने की बात बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार मृतक मंटू यादव गोड़ा का रहने वाला है, जबकि जख्मी मुकेश यादव फुल्ली डुमर प्रखंड के हतिया पाथर गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। बांका जिला की फुल्ली डुमर थाना में एसपी अरविंद कुमार गुप्ता ने थाने का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में एसपी को यहां पहुंचते ही थानाध्यक्ष मोहम्मद सफदर अली के नेतृत्व में थाना पुलिस ने बीएमपी एवं सेफ जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका स्वागत किया। निरीक्षण के पूर्व एसपी ने थाना भवन के कार्यालय, हाजत, रिश्ता कक्ष, निरीक्षण कक्ष, आगंतुक कक्ष, अधिकारी कक्ष सहित सभी कमरे एवं सुरक्षा मोर्चा आदि का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने थाने में लंबित कांडों की विस्तृत समीक्षा करते हुए विभिन्न अभिलेखों की फरारी पंजी, गिरोह पंजी, गुंडा पंजी, दागी पंजी, प्राप्त निर्गत पंजी, लंबित वारंटी, लाल वारंटी पंजियों एवं कांडों की जाँच एवं उसके रखरखाव के अलावा थाना क्षेत्र की विधि व्यवस्था के लिए थानाध्यक्ष मोहम्मद सफदर अली को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस मौके पर एसआई सच्चिदानंद दुबे, अनिल राम, राम सेवक महतो, एसआई सुनील कुमार सहित सभी पुलिसकर्मी मौजूद थे। अमरपुर में चोरों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि अब आबादी के बीच भी चोरी हो रही है। गुरुवार की देर रात चोरों ने रुपेश कुमार के गुप्ता किराना स्टोर से नकदी समेत लाखों रुपए की सामान चोरी कर ली। दुकानदार रुपेश कुमार ने बताया कि गुरुवार की रात में जब वह दुकान बंद कर अपने घर चले गए, शुक्रवार की सुबह जब उन्होंने दुकान खोली तो सामानों को अस्त व्यस्त देखा। जब उन्होंने जाँच की तो पता चला कि दुकान में चोरी हो गई है। चोरों ने उसके गले से नकद 20,000 समेत दुकान में रखे कीमती सामान चुरा लिए। उन्होंने पुलिस को आवेदन देकर सामान बरामद करने की गुहार लगाई है। बांका जिला के चांदन प्रखंड अंतर्गत भैरोगंज बाजार स्थित प्रोन्नत उच्च विद्यालय भैरोगंज में स्थानीय छात्र का नामांकन नहीं होने को लेकर ग्रामीणों ने हंगामा किया। दरअसल प्रोन्नत उच्च विद्यालय भैरोगंज का नाम बदलकर इंटर स्तरीय प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय कर दिए जाने से सैकड़ों छात्र का नामांकन नहीं होने का मामला प्रकाश में आने से जमीनदाता जनप्रतिनिधियों के अलावा स्थानीय लोगों को प्रोन्नत उच्च विद्यालय भैरोगंज का नाम पूर्ववत रखते हुए नामांकन करने की बात कही। साथ ही गरीब आदिवासी ग्रामीणों ने विद्यालय निर्माण हेतु जमीन दान दिया था ताकि स्थानीय लड़के लड़कियां शिक्षा ग्रहण कर सके, लेकिन इस बार किसी परिस्थिति में लड़के का नामांकन नहीं हो रहा है। अब तक एक साथ सभी छात्र छात्रा पढ़ रहे थे। जमींदाता प्रधान मुर्मू, बाबूलाल मुर्मू, नुनेश्वर मरांडी, छोटेलाल हेम्ब्रम व भोगन हेम्ब्रम ने 5 acres 34 decibels जमीन देकर विद्यालय निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी। नामांकन नहीं होने के कारण सबों ने प्रधानाध्यापक से मांग की कि पूर्व की तरह विद्यालय में नामांकन के साथ पढ़ाई हो। इसके लिए प्रधानाध्यापक अशोक यादव को सैकड़ों लोगों ने हस्ताक्षर कर आवेदन देकर विभाग स्तर से सुधार करने के लिए ज्ञापन सौंपा। साथ ही लड़के की नामांकन करने की बात कही। नामांकन नहीं होने पर बच्चों की पढ़ाई लिखाई बाधित होगी तो विवश होकर ग्रामीणों ने विद्यालय में तालाबंदी कर आंदोलन करने की बात कही। इस बात को लेकर प्रधानाध्यापक अशोक यादव ने बताया कि इस संबंध में जानकारी नहीं है, किसी के द्वारा दुष्प्रचार किया गया जिसकी जांच की जा रही है। छात्र की शिक्षा बाधित न हो इसके लिए वरीय अधिकारियों से बात करेंगे। मौके पर असदफी यादव, पूर्व मुखिया सुरेश यादव, वारने मुखिया उमाकांत पुद्दार, टीपन यादव, मंटू राणा व गणेश राय सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। मेरे द्वारा कुछ नहीं कहा गया है। यदि विद्यालय के किसी परिवार ने या रूमर फैलाया होगा कि छात्रों का एडमिशन नहीं होगा तो इसका हम पूछताछ करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभिभावकगण आए हमारे स्कूल में और एक मीटिंग किया। मीटिंग में बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति आए, जिसमें कि हमारे सोनेलाल हेम्ब्रम सर भी थे, प्रोफेसर सुरेश प्रसाद यादव, हमारे संस्थापक श्री अशरफी बाबू, चंदवारी पंचायत के मुखिया श्री सहेंद्र बाबू और सारे अभिभावक गण आए। उन्होंने एक मुझे ज्ञापन सौंपा गया है जिसमें कहा गया है कि यह जो विद्यालय जो दिया गया था, विद्यालय में जो जमीन जो अनुदान में दिया गया है, यह लड़का लड़की को पढ़ने के लिए दिया गया है, न किसी खास लड़कियों को पढ़ने के लिए दिया गया था। इसलिए ज्ञापन को सौंपा गया है। हम विचार कर रहे हैं, हम अपने उच्च अधिकारी से सलाह मशवरा करके और हम चाहेंगे कि छात्रों का एडमिशन हो। गरीब गुरबे लड़कों का बच्चे का एडमिशन हुआ करता था, लड़का लड़की का उसमें था विभेद नहीं था। विभागीय कार्यवाही के तहत यहाँ के चिट्ठी दिया कि नहीं, यहाँ का छात्रों का एडमिशन होगा, छात्र का नहीं होगा। उसमें उग्र होकर के जो इस स्कूल के जो डोनर है, जमींदाता है, उन लोगों का मूल के हमने राज्यपाल के नाम से रजिस्ट्री दिए थे जिसमें छात्र छात्राओं का दोनों की पढ़ाई हो,
ये नहीं कि केवल लड़कियों का हो, छात्रों का हो, छात्र का नहीं हो। इसी उन्होंने जब इसके कान पर गया, यहाँ की समस्या जब हुआ तो उसके कान पर उन्होंने कहा कि न तालाबंदी करेंगे, स्कूल में नामांकन नहीं होने देंगे। उसी के लिए मास्टर साहब ने, यहाँ के प्राचार्य ने उसे एक अभिभावक बैठक बुला लिया। उस बैठक में सारे लोग उपस्थित है, हम भी चाहते हैं यहाँ के मुखिया होने के नाते हमको जहां तक जानकारी की दो इस सत्र में 1982 से लेकर के आज तक लड़का लड़की दोनों का एडमिशन नामांकन होता था। जब उसमें आज जो रोक लगेगा वो अनुचित क्षेत्र के लिए मैंने बहुत बड़ी समस्या भी कथा है। इसलिए लड़के लड़कियां दोनों इसमें पढ़ते थे, लेकिन अभी 2016-17 से चिट्ठी आ गई कन्या उच्च विद्यालय के नाम से इसको कर दिया गया है। किसी पुराने जो टीचर है उनको पता नहीं था, उसके कारण अभी जो चिट्ठी जो आ गया कि सब लड़कियों का इसमें एडमिशन होगा, लेकिन ऐसा गलत है क्योंकि इसमें लड़के लड़कियां हमेशा से दोनों पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसलिए ये विद्यालय जो है जो जिसके नाम से पास था प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय के नाम से उसी के नाम से रहना चाहिए। यहाँ के गरीब किसान प्रधान मुर्मू ने जब इनको 5 एकड़ 100 धान में दिया है, उसमें बाबूलाल मुर्मू है, इन्होंने मरांडी दिया है, छोटेलाल हेमरम दिया है, भोगन हेमरम ने सभी ने जब इनका दान पत्र दिया है, इसलिए इस ग्रामीण इलाके को देखते हुए इस सुदूर क्षेत्र में ये विद्यालय पड़ता है प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय भैरवगंज, इसलिए इसमें लड़के लड़कियां दोनों को पढ़ने की अनुमति दी जाए।